नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत, आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये साड़ी पर का कलर निकलना। दोस्तों, ये जो साड़ी है इस पर कलर लगे वाला है, कस्टमर ने धो लिया है मगर घर पे भी नहीं निकला, इसलिए ये अपने पास आ गई है। और ये जो दूसरी साड़ी है तो कस्टमर ने घर पे धो लिया है तो क्या हो गया कि इधर का कलर छूट के इधर आ गया, तो ये लकीर लकीर से जैसे बन गई है, तो इसके लिए ये अपने पास आने वाली है। तो ये ब्लाउज को भी देख सकते हैं, ऐसी लकीर आ गई है और ये ऐसी लकीर आ गई साड़ी में, तो पूरे साड़ी पे ये ऐसी लकीर बन गई। इधर का कलर पानी में घोल के इधर लग गया है और फिर ये पूरे साड़ी में लग गया है, तो इसको निकालना है और इसको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, HAP 200 जो अपना प्रोडक्ट है, ख़ास तौर पर ये ऐसे कलर के टेंट निकालने के लिए बनाया है, तो हम ये यूज़ करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो क्या करेंगे, हम इसमें 50 ml डालेंगे, इसमें डालेंगे 50 ml और इसमें डालेंगे 50 ml। ये सेफ भी है, अगर कम ज़्यादा होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये इसमें हमने HAP 200 डाल दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो साड़ियाँ हैं वो डुबा के रखेंगे और इसमें हमने गर्म पानी लिया है। और गर्म पानी कितना लिया है, क्योंकि ये जो डायमंड है, मनी है, चिपकाए वाले है, अगर ये ज़्यादा हॉट पानी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे निकल जाएंगे। इसलिए हमें उतना ही पानी गर्म लेना है जितना ये साड़ी सह सके। तो ये साड़ी हमने डुबा दी इसमें, तो देखो ये लाल कलर छूट रहा है। अभी क्या करेंगे, ब्लाउज के साथ ये दूसरी साड़ी भी इसमें डुबा देंगे, क्योंकि जो दोनों साइड की जो बॉर्डर है इस पे ये लकीर आ गई है, इधर के साइड में भी ये लकीर आ गई है, तो हम इसे भी डुबा देंगे, तो देखेंगे हम क्या रिज़ल्ट मिलता है HAP 200 का। HAP 200 खास इसके लिए ही बनाया है कि ऐसे जो टिंट चढ़ते हैं कपड़ों पे वो निकल जाना, इसलिए हमने ये बनाया है। तो हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। और इस पे हम हाइपो ब्लीच यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें हमने साड़ी डुबाई है, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसमें हम हाइपो ब्लीच नहीं लगा सकते, क्योंकि कस्टमर ने बोला है निकलता है तो निकालो, नहीं तो वापस दे दो, मगर ख़राब मत करो। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये देखो, ये डुबाते के साथ ही कलर छूट गया है, मगर यहाँ पे कलर बच गया है। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम कुछ देर और डुबाएंगे, क्योंकि ये पूरा कलर हमें निकालना है। और डुबा दिया हमने इसमें, और फिर देखते हैं ये साड़ी का रिज़ल्ट। ये साड़ी में भी ये जो पानी हरा हो गया है, तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने क्या किया, इसको भिगो के रख दिया था HAP 200 में, तो ये जो कलर है वो पूरा निकल गया है ग्लव्स का। आप देखते हैं इसका भी निकल गया है या नहीं। तो ये जो कलर था, तो ये साड़ी को हमने HAP 200 में भिगो के रखा था, तो इसकी जो लकीरें आ गई थी, ये जो हरा कलर है, तो ये हरा कलर की लकीरें इसमें आ गई थी, क्योंकि उनके पास हाइड्रो नहीं होगा इसलिए। तो ये लकीरें हैं वो निकल गई है पूरी। अब देखते हैं इसका, इसको जो कलर लगा था वो निकला है या नहीं निकला है।
कस्टमर ने बोला था निकल गया है तो ले लो, नहीं तो खराब मत करो वैसे वापस दो। इसलिए इस पे हमने हाइपो ब्लीच कुछ चलाया नहीं, नहीं निकलता है तो भी कोई बात नहीं, मगर वापस दे देंगे, मगर फिर वो नौबत ना आ जाए, इसलिए इस पर का देखते हैं कितना निकल गया है। तो इस पर का भी निकल गया है, यहाँ पे थोड़ा दिखता है। तो ये कलर अगर हम इसको डबल वॉश करेंगे तो भी निकल जाएगा। इसी तरह से ये HAP 200 जो है, जो हल्की सी कपड़ों पे टिंट चढ़ जाती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा कंपनी दावा नहीं करती भी कि कौन सा भी कलर लगने दो 100% निकल जाता है, मगर कुछ ना कुछ हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर को अगर इसमें हाइपो ब्लीच यूज़ करेंगे तो कुछ तो इसमें साइड इफेक्ट हो जाएगा, मगर इसमें क्या हो जाएगा, एक तो कलर निकल जाएगा, नहीं तो साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होगा, और जो हल्की टिंट है हल्का कलर चढ़ जाता है तो वो 100% निकल जाता है या कुछ परसेंट बचता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।